बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाजी नूर हेयर फ्रॉम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। माय डियर्स, यू हैव टेकन लेक्चर ऑफ ईयर एंड नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू SLOs फ्रॉम द टॉपिक ईयर। ओके, ईयर का टॉपिक जो है वो लेक्चर आपने सुन लिया है अच्छे तरीके से, उसको आपने उसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी आपने यकीनन सीख लिए होंगे। अब जो है इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलना है, जैसे आप क्लास में किया करते थे कि क्लास में टॉपिक पढ़ के उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप निकाला करते थे, तो वैसे ही अब हम करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका है ईयर, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपका इसमें से बनता है वो आपका क्वेश्चन है, ये देखिएगा यहाँ आपके पास पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ईयर के बारे में, ह्यूमन कान के बारे में, इंसानों के कान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बताएं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, ह्यूमन पार्ट्स को, जो ह्यूमन ईयर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो एक तो मैंने एक्स्ट्रा मतलब आपके सामने पेपर की फॉर्म में भी लिख दिया है, मैनुअली भी आपको लिख के दे दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब क्या है देखिएगा, इसका आंसर क्या है, ह्यूमन ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। ठीक, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल का मतलब होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी। ठीक, बैरूनी हिस्सा, कान का बैरूनी हिस्सा यानी कि बाहर वाला हिस्सा, ये जो हमें नज़र आता है, ये देखें ये कान का ये जो पिन्ना है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, अब देखें एक्सटर्नल ईयर, दूसरा क्या है आपका मिडल ईयर, कौन सा है? मिडल ईयर। एक्सटर्नल बाहर वाला हिस्सा, उसके बाद जो है वह नेक्स्ट हिस्सा आता है मिडल ईयर यानी कि दरमियाना हिस्सा। दरमियाना हिस्सा किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है आइए देखिएगा, दरमियाना हिस्सा आपका एयर ड्रम पर मुश्तमिल होता है यानी कि कान के पर्दे के ऊपर, इसमें ये एक लंबी कैनाल होती है। ठीक है, ये जैसे आप इसको साफ़ करने के लिए आप कॉटन बड भी यूज़ करते हैं और उसको कान को साफ़ करते हैं कि एक लंबी सी वेन होती है। ठीक, ये आपकी होती है ईयर कैनाल, और यहाँ ये दो जो है वो मेजर चीज़ें हैं आपकी मिडल ईयर में मौजूद होती हैं। अब तीसरा हिस्सा जो है वो है इंटरनल, इंटरनल का मतलब, इनका मतलब वैसे ही होता है अंदर। ठीक है, अंदरूनी हिस्सा, इंटरनल हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, और ये कान का आखिरी हिस्सा है। कान का आखिरी हिस्सा देखें कितने चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो ये देखिएगा इंटरनल ईयर, ऑसिकल, ये जो है ना बॉन्स, ये तीन बॉन्स होती हैं बेटा, और ये आपस में ऐसे जो है ना वो बल खाई हुई और जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, ये कान के अंदर मौजूद होती हैं और इसके अंदर सेरम सा एक मुलायम सा मादा मौजूद होता है जिसको आप कॉकलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकलिया कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है इसकी वो है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का मतलब है जहाँ आपको सुनाई देता है, ये यहाँ पे ये आवाज़ जो है वो सारी परसेप्शन होके तो ये मैसेज कन्वे करती हैं आपके ब्रेन को। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, अंडरस्टैंड बेटा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन लिखिए आप, दिस पार्ट कैच साउंड वेव्स, जो भी हमें आवाज़ सुनाई देती है उन वेव्स को जो कैच करता है वो जो है एक्सटर्नल ईयर का काम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल और मिडल ईयर की आपने ब्रीफली हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि ये एक्चुअली क्या है, इनके फंक्शन क्या हैं, या किन किन चीज़ों पे ये मुश्तमिल होता है, किन किन पार्ट्स के ऊपर। मिडल ईयर, मिडल ईयर के बारे में पहले बताया है, इट इंक्लूड्स अ कैविटी, ईयर ड्रम एंड थ्री ऑस्कल्स। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, देखें ना यहाँ पे भी इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, ये देखें किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इंक्लूड्स अ कैविटी, एयर ड्रम एंड थ्री ऑस्कल्स, ये हो गया। अब इंटरनल ईयर भी बेटा ऐसे ही है कि इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो इनर, इनर अंदरूनी हिस्सा कान का जो है, इनर ईयर कंसिस्ट मुश्तमिल है ऑफ ऑडिटरी कैनाल, सुनाई देने वाली कैनाल के ऊपर। ठीक, एंड कॉकलिया, और कॉकलिया जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर ये सेरम सा मादे के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है, तो ये तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो इनर ईयर आपका मुश्तमिल होता है। यहाँ तक आपका बेटा ईयर का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो अभी आपसे मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़।